राजस्थान को मॉनसून से थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब फिर से मॉनसून का दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे के दौरान कई जिलों में भारी बारिश हुई। तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक की स्थिति खराब है, इससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज हवाएं, मेघगर्जन और मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग जयपुर की जानकारी के अनुसार राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर, टोंक और बारा में तेज बारिश होने का अनुमान बताया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भरतपुर, करौली, सवाई माधेपुर, बूंदी, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, नागौर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़ जिले में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, बूंदी, बाड़मेर और बीकानेर समेत कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इससे इन जिलों में यातायात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं आमजन को भी बारिश से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बदल चुका है। फिलहाल ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र के ऊपर है। साथ ही एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। ये पूरी तरीके से 24 घंटों में एक्टिव हो जाएगा। इसका असर पूर्वी राजस्थान के लगभग हिस्सों में आने वाले 4 से 5 दिनों में देखने को मिलेगा। इस दौरान मॉनसून एक्टिव होने से कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कोटा में 5 से 7 सितंबर तक तेज हवा के साथ बारिश के आसार है। 8 सितंबर को भी तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। लोकल 18 के लिए जोधपुर से कृष्णा कुमार गौर की रिपोर्ट।